वो खड़े हुए सामने। ये आप इनका ना इनकी हाइट जब ये चने पे आते हैं ना, पहले जापान की टेक्नोलॉजी कर रहा है कि जापान की टेक्नोलॉजी, जापान की पैसे उसके ले रहा है, पैसे उसके ले रहा है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो। मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे बुखार हुआ है, टेम्परेचर इस वक्त 31 है, धूप में अभी हवा चल रही है तो शायद थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ जा सके, लेकिन अदरवाइज धूप में खड़ा होना बहुत मुश्किल है। पिछले व्लॉग में आपने देखा हमने चोलिस्तान की एक साइड को टच किया और मीटअप बहुत ज़बरदस्त था, बॉयज़ अपने ससुरालियों को धोखा दे के मीटअप पर मिलने आए। बाइक पे व्लॉग बनाता हूँ, ट्रैवल व्लॉग मेरा, मैं आपको प्लान बताता हूँ मेरा प्लान क्या था। मैं इस वक्त सेटेलाइट टाउन में हूँ और अभी हमने जाना है लाल सुहांदरा, बॉयज़ इकट्ठे होंगे यहाँ पर, आइडियल स्वीट्स एंड बेकर्स है सर, वो मीटअप पॉइंट है। उससे पहले पहले मैंने सोचा कि खाना खा लूँ, सुबह का नाश्ता नहीं था, और ये मशहूर बिरयानी है यहाँ की, और स्पाइसी नहीं है ये, अच्छा चलो मिस हो गया, अगली दफ़ा सही। और भाईजान जो है ना वो मैथ्स पढ़ाते हैं और मैं मैथ्स में दो दफ़ा फेल हुआ हूँ। अभी हम ज़रा बातें करते हैं। आप बताइए ये गर्मी इस दफ़ा ज़्यादा है या मुझे लगा पिछले साल से ज़्यादा है ना इस दफ़ा, बहुत ज़्यादा है, मेरी दफ़ा ही होना था। जनूबी पंजाब में तो ठीक ठाक गर्मी पड़ती है, गर्मी होती तो है लेकिन फरवरी में इलाका हमारा जो प्लान्स है उनके ऊपर थोड़ा सा कुछ हो रहा है उनके साथ, अभी देखते हैं क्या करते हैं। अभी के लिए आज हम जाएंगे लाल सुहांदरा, अगर हिरन विरन मिल गए उधर तो फिर सही है, वहाँ झील भी है बिल्कुल, और जो कि सुना है कि अब झील नहीं लगती, अब बस ऐसे ही है कोई मेंटेनेंस खास नहीं होती, अभी जाके देखते हैं क्या सेटअप है। आपका नाम क्या? मोहम्मद शुएब भाई से अब बातें करते हैं और साथ बिरयानी खाते हैं। मैं लेट नहीं हुई, ये लोग टाइम पर, कोई लेट नहीं, नहीं कैसे हो ही नहीं सकता मैं लेट हूँ, बस फिर हार गया आप। 4 मिनट से कुछ नहीं होता, मेरी घड़ी पीछे, मैं लाहौर से आ रहा हूँ, ये कोई बात नहीं, लाहौर से। गर्मी शुरू हो चुकी, 3:30 का था प्लान, 3:47 हो गए, कुछ बॉयज मेरे यहाँ से आगे वेट कर रहे हैं। चलो सामान नहीं है, आज थोड़ा सा फन करेंगे। रिफ्यूलिंग की ब्रेक ली जा रही है, जिस चीज़ को फ्यूल चाहिए वो यहाँ से डलवा सकता है अपने अपने पैसों। जान तो नहीं है, वेंट्स नहीं खोले हुए मैंने यार, मुझे ना मैं जब से गिरा हूँ ना तब से मुझे ना डर लगने लग गया, पूरी सर्दियाँ इन शूज़ के बगैर मैं नहीं निकला, ये शूज़ तो इतने ज़बरदस्त बैठे हैं ना, अभी जब गिरा हूँ तो ये देखो ना, ये जब गिरा था तो ये साइड लगी नीचे, बकल टूट गया और अल्लाह ने बचाया। बॉयज क्रूजिंग, इसी रोड पे रात को मैं और जान से भाई आया था, रात को यहाँ पर ठंड लग रही थी, ये जैकेट मैंने पहनी हुई थी और ट्राउज़र भी पहना हुआ था, और दिन के वक्त अब ऐसे है कि मैंने मजबूरन जैकेट पहनी हुई है। भाई अभी कह रहे थे कि आप जैकेट ना पहन के आते, तो थोड़ी सी आदत हो चुकी है इसलिए, और गिरने के बाद ख़ास तौर पे थोड़ा सा फियर आपके जहन में बन जाता है, उसको फाइट करने का यही तरीका है। लेकिन एनीवेज यो, मेरा बुक लाल सुहांदरा 23 किलोमीटर यहाँ से, अजीब सी बात है, जो डिस्टेंस स्टोन लगा हुआ है उसके ऊपर 18 किलोमीटर है और जो नया वाला बोर्ड ऊपर लगा हुआ है उसके ऊपर 30 किलोमीटर है। मतलब चाहते क्या हो भाई, चाहते क्या हो ये तो बताओ। बॉयज मेरे ख्याल से आ गए जो उन्हें ज्वाइन करना था। ओके ऑलराइट, मेरे ख्याल से यही बॉयज है। ऑलराइट लेट्स डू दिस। कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था, एकदम ही राइट ले लिया। हाँ हाँ ओके
गूगल मैप पे आप डाल सकते हैं वैसे, अगर आपने आना हो तो। तो मेरे ख्याल से लोगों से पूछना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहता है, मज़ा आता है। चैलेंज तेल भलवाल कैनाल। टाइम सही तैराकी हो सकती है क्या यहाँ? जो बॉयज डिसाइड करेंगे हम वहाँ चले जाएंगे, नेशनल पार्क लाल सुहांदरा। चौदह किलोमीटर है और TDCP मोटेल इधर सामने जाए भी थी यहाँ पर। सही है, ठीक है, अच्छा मौसम है, गाड़ी में तो ओके है यार, माशाल्लाह। जहाँ पानी है ना वहाँ लाइफ है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, अच्छा पिकनिक स्पॉट है, दूर नहीं है। अरे भाई आराम से, क्या हो गया? ठीक है, वो तो मर्जी होगी। अम्ब्रेला बनी हुई है, टनल, ट्री टनल कहते हैं इसको। पुराने ज़माने में बहुत हुआ करती थी बचपन में, लेकिन अब तो सब कुछ कट गया, नहीं तो ये सारी। वेरी नाइस, गुड स्पॉट। बिग बॉयज जो थोड़ी मस्तियाँ कर रहे हैं, लेकिन भाई हम तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे। ब्लैक बक एनक्लोजर कुछ नज़र आना चाहिए यहाँ, तो मैं बता रहा हूँ, अगर नज़र नहीं आएगा तो फिर पैसे नहीं देंगे। कैसे बन रहा है? गैर कानूनी एंट्रेंस? हाँ, बड़ा ज़बरदस्त था रोड तो, बड़ा खूबसूरत। आगे ये नहीं होगा। ये इधर ही था बस। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? हमारे दो भाई पीछे रह गए, पता नहीं क्या हुआ। हमें इस यार की गाड़ी 50,000 तक की है, चल रही है ऐसी, और हमारे यहाँ वो पौने 2,00,000 की भी नहीं है। वन टू फाइव कंपनी का इतना बड़ा धोखा है। 89 से जापान से मुआहदा खत्म हुआ हुआ होंडा का, टेक्नोलॉजी उन्होंने बांट दी, अब वो चाइना से ले रहा है 89 से, और आप जापान की टेक्नोलॉजी कर रहा है कि जापान की टेक्नोलॉजी, जापान से पैसे उसके ले रहा है 89 से। नहीं, कच्चे रोड पे नहीं, आपने पक्के रोड पे क्या कर रहे हैं? हिरन देखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, दिख जाएंगे आज क्या है? दिख जाएंगे कुछ, और मैंने सुना तुम्हारे तो नानवी शॉप पे भी तुम्हारे नहीं, मैं अकेले निकल जाना चाहिए। आप एक पॉइंट आता है, कैसे कर लेते हैं सोलो, मैं अक्सर निकल जाता हूं यहां, क्योंकि कोई साथ नहीं करता था ना, अकेले कोई साथ नहीं करता था, तो फिर क्या करें? कैंपिंग में अकेले हर चीज कैसे आप मैनेज करते हैं? इंसान तो नहीं है, डर नहीं लगता आपको रात को? डर लगता है, वो डर जाते हैं बस, डर लगता है, डर जाते हैं। हमारे साथ एक शौक से मॉल नहीं है, शौक जी ऐसे वो आप शायद जानते भी हो, वो वाइल्ड लाइन भाई इब्रार के नाम से, इब्रार भाई, हाँ जी हाँ जी। उसकी एक छोटी सी मैं डॉक्यूमेंट्री थी, कहता मैं अकेला रहता हूँ, आप कैसे रह लेते जंगल में अकेला? वो कहते मैं जानवर के स्टाइल में रहता हूँ। वो कहते जानवर के स्टाइल में क्या? कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, अंदर में ऐसे डॉक्टर्स चल रहे हैं, वो शायद हिरन बीमार हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, बॉक्सेस लगा दिए, मेरे पीछे बॉक्स लगा हुआ है, इसमें हिरन को पकड़ के लेके जाएंगे, और हम अंदर नहीं जा सकते, तो हम ऐसे जाएंगे, फिर बाहर जाएंगे, हम पहले ही बाहर। ये बहुत वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल है, ये वाला बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल चल रहा है, देखिए ऐसा स्विमिंग पूल आपको कभी भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा स्विमिंग पूल। अच्छा ये स्टेज है सामने, सोजो वाटर पार्क के मुकाबले का, हाँ इस पर टिकट, इस पर टिकट लगा दो लड़के, मैं कह रहा हूँ नहीं तो कोई और बाजी ले जाएगा। सामने बस वो लाहौर है ना, वो हिरन नज़र आ रहे हैं मुझे, आपको नज़र नहीं आएंगे इधर से, मैं अपना ही देख रहा हूँ बस, दूर है। हिरन तो नहीं दिख रहा, वो है वो, वो डर गए ना, आ रहे वो खड़े हुए सामने। ये आप इनका ना, इनकी हाइट जब ये चने पे आते हैं ना,
आप सोच नहीं सकते कि कम से कम 20-25 फुट लंबी जंप मारते हैं यार जी। ऐसे हिरन की जंप तो चलो जी। ये था जी, ये हिरन थे बस इतने थे। जिससे नहीं देखा गूगल से पिक्चर ले देता लगा देता। ये जो इन्होंने बाड़ लगाई हुई ये तो कुछ भी नहीं, इससे ऊपर दो दो इससे ऊपर जंप लगाते हैं। भाई देख लिया आपने हिरन? बाड़ का तो फायदा क्या है हसन भाई? हिरन देख लिया आप? क्या यार हिरन इंसान ही देखे मुझे जंगल में कैद हिरन तो। ये पूल दिखाया आपने स्विमिंग पूल? नहीं अरे भाई बता रहे थे कि बहुत इसमें जो तैरता है वो ठीक हो जाता है, उसकी बीमारियाँ काफ़ी ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा इसके अंदर 10 मिनट तक जो अंडर वाटर रहता है वो बिल्कुल ही ठीक रहता है। यार बढ़ गए A few moments later. पागल हो गए सर। जो पीछे थे वो सारे मिट्टी से भर गए, कुछ नजर नहीं आ रहा। भाई झील किधर है? झील अभी घूमने गई थी सर, नाश्ता करने गई थी। झील को सर गर्मी लग रही थी, झील गई भी सर। वो बैग नीचे गिर गया आपका? आज से तकरीबन मैं 2-1 माह पहले आया था यहाँ पे इसके साथ इसी बाइक से। ग्रीनरी तो ग्रीनरी थी, अब हम बकायदा यहाँ पे मैं भी आया था यार ग्रीनरी पे। आज पहले क्या हो गया पहले पहले पीछे चले जाओ बोटिंग। जान साहब भाई बता रहे थे मुझे कि अभी हालात ख़राब हैं, मेंटेनेंस वाला चक्कर ख़त्म हो गया तो जरा ध्यान से पकड़ी GoPro है, 40,000 का कैमरा है। मेरी बात की कोई वैल्यू तो नहीं है? There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors. Lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore. तो बड़ी खाली सी जगह के ऊपर ढाबा बना। अब मज़ा आया थोड़ा सा, आज मज़ा आया। शाम को दिन के वक्त तो बहुत ही बढ़ जाता है।
हसन भाई ब्रेक कर लगा कि छोड़े यार ना करो यार मुझसे कुछ सुन ना लेना नहीं घर का नलका खोल देता ना मुझे बताते में आते हुए तो भर जाती थोड़ी सी पूछे ना लेक कैसा था लेक बेहतरीन यार ऐसे पानी पानी मछलियां बाहर आ रही उसके सामने मछलियां ऐसे हाथ से पकड़ी जा रही थी लेकिन वापसी की राइड का बड़ा मजा आया ये भाई के देखो हालत कैसे टाइट हुई है नहर जहां भी होती है ना अभी हम वहां गए थे रास्ते में नहर थी वो सनसेट था हमें तो बंदों से मिलने हमने एक दूसरे को देखना है चालू बनेगा यही तो पार्टी इज ओवर चलते हैं घर चलते हैं सामान पैक करते हैं वो ये आराम से चलाओ मेरी बात की कोई वैल्यू तो नहीं है अस्सलाम वालेकुम अंकल जी क्या हाल है कमरे में मैं पहुंच गया हूँ और अब मैंने सारा सामान पैक करना है और अभी के अभी निकलना है इट विल टेक अराउंड 15-20 मिनट बाइक पर बैठ के मिलते हैं बहुत शुक्रिया अंकल जी एक भी एक जगह पे जा रहा हूँ रात को ही निकल रहा हूँ बॉयज़ के साथ राइड करने के बाद लेकिन मैं बताऊँगा नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ अगले व्लॉग में आपको बताइए कहाँ जा रहे हैं तो ये सब इकट्ठे हो गए भाईजान जो है इनको भी शौक है ट्रैवल करने का और पूछ रहे हैं कि कहाँ से जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं रजा भाई ने सोन हलवा दिया सोन हलवा अभी जाके खाएंगे अजीबोगरीब लग रहा है इसलिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं रजा भाई मुझे छोड़ने आया मेन रोड तक और थोड़ा आगे ही आ गए बहुत ज़्यादा मैंने कहा था इजी हो जाए और अभी हम मैकडोनल्ड से बर्गर खाएंगे रजा भाई के पैसों का अब मैं निकलता हूँ इधर से थोड़ा सा रोड गंदा है तो रास्ते में कहीं रुकूँगा तो फिर आपको ये तो नहीं बताऊँगा मैं जा कहाँ रहा हूँ ये तो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा कोई कमेंट ना करे जिसको पता है बावलपुर वालों को पता है खबरदार अगर किसी ने कमेंट किया नीचे कि कहाँ जा रहे हैं आप और ये बिल्कुल इसको सीक्रेट रखना अरे गुजर जाओ यार ऐसे कैसे मेन रोड पे तुमने ट्रेन चढ़ाई हुई है कहाँ के लोग क्या सप्लाई वाली ट्रेन जा रही है कार्गो ट्रेन अब कार्गो इसमें क्या होगा कोयला होगा इसमें कोयला हो सकता है पत्थर हो सकता है नमक हो सकता है पता नहीं क्या हो सकता है लगता है कोयले वाली है बड़ा अजीब लग रहा है इतना मेन मेजर रोड ट्रेन के लिए बंद हो अच्छी अच्छी बात है कुछ कुछ चल रहा है ज़िंदगी में बहुत लंबी ट्रेन है यार और अभी मैं जा कहाँ रहा हूँ अभी आप लोगों को पता है नहीं पता जिसको नहीं पता चुप कर जाए खबरदार अगर कुछ बोला तो चुप कर जाओ बिल्कुल बात नहीं करने एकदम डार्क चल रहा है सब कुछ कोई गाड़ी दूर दूर तक आपको कोई गाड़ी नज़र नहीं आएगी कोई लाइट नज़र नहीं आएगी सिर्फ मैं हूँ और रोड है कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आपको आएगी एक गाड़ी नज़र नहीं आएगी बोलो पागल है हजार की स्पीड पे जा रहा था मैं कैसे देख लो 100 की स्पीड से मैं भगाता हुआ आ रहा हूँ ये बॉय मुझे आगे से लेने आया मैं पहुँचने वाला हूँ बिल्कुल थोड़ा सा ही दूर है मंजिल मंजिल थोड़ी सी की दूर है ऑलराइट बॉय फिल्म लगी हुई है पीछे भाई साहब फुल एनिमेशन के साथ क्या फुल एनिमेशन के साथ है भाई ये CBR 600 की तरह लग रहा है ट्रक का कलर